आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। यह मुंगेली के बड़ा बाजार में रहने वाले प्रभात ताम्रकर अच्छे खासे चलते फिरते नजर आ रहे हैं। प्रभात को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है। अब प्रभात खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल प्रभात एक निजी स्कूल में नौकरी करते थे, लेकिन साल 2017 में बीमारी के चलते उनकी नौकरी छूट गई। जब प्रभात अपना ईपीएफ लेने पहुंचे तब पता चला कि स्कूल ने उन्हें अपने रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद से वो खुद को जिंदा साबित करने और भविष्य निधि की राशि लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। मैं वहां गया था सर, तो वहां से मेरे को पूछे कि अभी मैं बताया उनको जिंदा है मेरे पिताजी करके, तो वो बोले कि इनको सुधार करवा दो करके। तो उसके सुधार के लिए मैं स्कूल भी गया था, उनके बाद उनको बोला भी गया था कि सर मेरा काम करवा दीजिए करके, तो मतलब सुधार करवा दीजिए इसको करके, तो वो हाँ बोले। उसके बाद भी अभी तक के सुधार नहीं हुआ है। ईपीएफ राशि के लिए फिर स्कूल गया, स्कूल में मेरे को घुमाया जा रहा था और ईपीएफ की राशि नहीं निकाल रहे थे, तो मैं रायपुर गया, तो रायपुर में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण मेरा पीएफ की राशि नहीं निकल रहा था। इसको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन करते समय त्रुटि हो गई थी, जिसका पता चलते ही हमने तुरंत जाकर के आवेदन किया त्रुटि सुधार के लिए, जो सुधार करके भी आ गया है उसकी जानकारी उनको दे दी गई। बेसिकली इसके संबंध में 2 दिन पूर्व संबंधित के बेटे द्वारा शिकायत की गई थी, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है और जिला शिक्षा अधिकारी को समय सीमा में इसका जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। जांच प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त होगा उसके पश्चात ही इस पर हम लोग कुछ कार्रवाई करते हैं। सुनील पांडे जी निजी स्कूल के प्राचार्य हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद। आपके यहाँ पढ़ाया करते थे ये जिनको आपके स्टाफ ने सरकारी कागजातों में इन शिक्षक को मृत घोषित कर दिया, सर इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई आप लोगों से? एक बीमारी में और मृत्यु में फर्क नहीं कर पाए आप लोग? एक्चुअली क्या ये लिप की त्रुटि था। हाँ, ऑनलाइन करते समय वो मिस्टेक हो गया, जिसे जैसे ही पता चला हमने सुधरवा दिया है। सर कब पता चला? 2 साल पहले ये त्रुटि हो गई, तो आप लोगों को कब पता चला सर? नहीं, उसके पहले क्या था, मैनुअली भेजा जाता था ईपीएफ में। हाँ। तो मैनुअली हमने भेजा था, फिर वहाँ से ईपीएफ ऑफिस से जानकारी आई कि इसे ऑनलाइन किया जाए करके, तब हमने ऑनलाइन किया और उसी ऑनलाइन करते समय लिप की त्रुटि हो गई थी, लेकिन और उसकी जानकारी जब हुई। हाँ। तो हमने तुरंत कार्रवाई की और पांडे जी आपसे मैं जानना चाहूंगी आप लोगों को ये इस पूरे घटनाक्रम में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, मतलब जब आप लोगों से त्रुटि हुई आप लोगों को जानकारी मिली तब से लेके अब तक कितना टाइम पीरियड हो चुका है, थोड़ा सा बता देंगे आप? मेरे को रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अंदाजन 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? एक माह पहले जानकारी हुई थी, तो उसी समय हमने वहाँ जानकारी दे दी थी। प्रभात ताम्रकर जी, पांडे जी सुनिए, प्रभात ताम्रकर जी पिछले 2 साल से चक्कर काट रहे हैं अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए, आपकी मैन्युअली एक छोटी सी त्रुटि ने कितना बड़ा उनको सदमा दिया है। आप ये सोचिए कि आपके यहाँ की मैन्युअली त्रुटि, आपके यहाँ जिस तरह से जो भी त्रुटि हुई है उसका कुटाराघात ये हुआ है उनके साथ कि उनको अपने ईपीएफ की राशि नहीं मिल रही। क्या आप लोग कंपनसेट करेंगे, अपनी गलती मानेंगे? अब ये लिप की त्रुटि थी मैडम। अरे तो सर ये त्रुटि तो आपके जरिए, पांडे जी सुनिए, तो आप अलिखित त्रुटि थी, हुई तो इंसान से ना, आप ही लोगों से हुई ना, आपके स्टाफ के जरिए हुई, संचालक हैं आप स्कूल के, जिम्मेदार पद पे हैं, स्कूल का संचालन कर रहे हैं, ऐसे ही आप किसी बच्चे की मार्कशीट में ऐसी ही कोई त्रुटि कर देंगे तो वो पता नहीं कब तक जीवन भर भुगतता रहेगा सर। नहीं ऐसा नहीं होता। आप मुझे बस ये बताइए कि आप कंपनसेट करेंगे उनको, जो मानसिक तौर पे उनको ये प्रताड़ना हुई है वो अभी तक झेलते आ रहे हैं, क्या आप कंपनसेट करेंगे?
आप तो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी और मैनुअली त्रुटि हुई है। पांडे जी नहीं बोलेंगे अब, पांडे जी के पास सवाल का जवाब नहीं है। हमारे साथ सहयोगी रोहित कश्यप जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरा मामला बताएं जरा बहुत संक्षेप में। देखिए बता दूं रस कि ये जो पूरा मामला है मुगली नगर पालिका के बड़ा बाजार निवासी प्रभात ताम्रकर की असल जिंदगी की कहानी है, जो कि 2005 में उन्होंने जेजी पब्लिक स्कूल में क्लर्क के पद पर वो उन्होंने सेवा देना चालू किया और उसके बाद 2005 से लेकर 2017 तक उन्होंने अपनी उस निजी स्कूल में सेवा दी। उसके बाद फिर 2017 में ही जब उनकी शारीरिक क्षमता की वजह से तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने की वजह से वह कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया अपनी सर्विस के चलते। जिसके बाद जब तबीयत ठीक हुआ उसके बाद जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे बताया गया कि उनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति कर ली गई है। नियुक्ति भी कर ली गई है और उनको मृत भी घोषित कर दिया है। मृत घोषित होने के बाद उनको झटका तो जरूर लगा होगा और वो परेशान भी हैं, ये हमने अपने दर्शकों को भी बताया। बहरहाल रोहित, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मनावा में भू माफिया बेखौफ।